हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमास कुकिंग डायरी। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये राजस्थानी स्टाइल में राजस्थानी मिठाई की रेसिपी, घेवर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके साथ हम ऊपर की रबड़ी बनाएंगे और ये मलाई के साथ ये घेवर जो है बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में 3 बड़े चम्मच के करीब घी लेंगे। ये हमने जमा कर घी लिया है, हमें सब इसमें ठंडी चीजों का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने घी को जमा लिया है और 3 चम्मच के करीब घी ले लिया है। और यहाँ पर हम डालेंगे 4 से 5 ये आइस क्यूब्स। आप चाहे तो इसकी जगह पे एकदम ठंडा पानी का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम स्मूथ सा इसे पीस लिया, आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर हो चुका है इसका, अच्छे से हमने इसे पीसा है। अब हम डालेंगे इसमें दूध। यहाँ पर हमने ठंडा दूध यूज किया है, आधे कप के करीब हम यहाँ पे दूध डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैटर है वो अच्छी कंसिस्टेंसी में है, अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें मैदा। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब मैदा का यूज़ किया है। तो हम पहले इसमें से आधा मैदा जो है वो डाल देंगे इसमें और अब इसे हम मिक्स करेंगे ग्राइंडर जार में। आप थोड़ा थोड़ा करके ही मैदा को इसमें मिलाएं। यहाँ पर हमने इसे मिला लिया है, इसमें एक भी मैदा की गुठलियाँ नहीं रहने चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और बाकी का मैदा भी डाल देते हैं और इसे फिर से पीस लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे ग्राइंडर जार में। और जो बाकी का बचा हुआ है उसे भी मैं डाल दे रही हूँ और एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रही हूँ, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप बैटर की जो कंसिस्टेंसी वो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फ्रिज का ठंडा पानी डालकर इसे मिलाया है। तो बस यहाँ पे बैटर तैयार है, इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस बैटर में हमने सारी ठंडी चीज़ों का यूज़ किया है तो आप भी ध्यान रखें। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस, इसे मिक्स कर लेते हैं बैटर में। तो हमारा घेवर का जो बैटर है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो अब हम घेवर बनाएंगे। तो यहाँ पर घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, एकदम हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया है। आप चाहे तो घेवर को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया, एकदम हाई फ्लेम पर मैंने गर्म किया है। और जो बैटर है वो हम एकदम पतली धार में ऐसे करके एकदम बीच में डालेंगे और जब एकदम से झाग उठेगा, वो जब झाग जो है वो थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद हम चम्मच से बीच में एक इस तरीके से छेद करेंगे और उसके बाद जो थोड़ा बैटर और है हम वो फिर से डालेंगे। जब झाग फिर से बहुत उठेगा उसके बाद फिर से ये कम हो जाएगा, उसके बाद हम चम्मच की हेल्प से ऐसे बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और हम वहीं पर दोबारा से बैटर डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें पतली पतली धारा में ये बैटर को डालना है। अगर आप एक साथ में बहुत सारा बैटर डाल देंगे तो वो नीचे जाके चिपक सकता है, इसलिए आप हल्का पतला पतला चम्मच की हेल्प से इधर बीच में डालें और हर एक बार आप यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट करते जाएं और वहीं पर आप बैटर को डालते जाएं। मैं इसके जो किनारे हैं वो इस बर्तन से अलग कर रही हूँ, आपको बहुत आराम से करना है। आप फ्लेम को मीडियम पर रखें और इसे पकने दें। तो यहाँ पर मैंने इसके किनारों को अलग कर लिया है ताकि जो थोड़ा तेल है वो ऊपर वाले लेयर पर भी आ जाए और ऊपर वाली लेयर भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हमने कम से कम 10 से 12 बार ये बैटर डाला है और हमने अच्छा सा घेवर बना लिया है। और बहुत ही सावधानी से हम आप किसी चम्मच का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप आराम से उसे बीच में घुसा करके इसे बाहर निकाल लें। बहुत ही सावधानी से करना है वरना आपका घेवर जो है वो टूट सकता है। आराम से आप इसे इस तरीके से बाहर निकालें और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाने दें। यहाँ पर मैंने एक थाली लिया जिसमें छेद है और उसके ऊपर मैंने इसे रखा है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो अब हमारा घेवर तो बन चुका है, उसके लिए हम अब रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर के करीब दूध लिया है, उसे हम गर्म करेंगे। अच्छे से उबाल आने तक हमें इसे पकाना है और इसे लगातार आप चलाते रहें। आप फ्लेम को मीडियम से हाई पर ही रखें और इसे लगातार चलाते रहें। तो यहाँ पर दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छे से हमें दूध को गाढ़ा करना है, इसकी मलाई जो चिपकते जाती है साइड में उसे भी आप दूध में ही मिलाते जाएं। दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है,
अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब चीनी डाला है। इसे हम चीनी को घुलने तक दूध में मिलाएंगे। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई पर ही रखें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि वो नीचे जो चिपके नहीं। चीनी को घुलने तक हमें इसे चलाते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ी जो है बनने लग गई है, ऑलमोस्ट तैयार है, और दूध जो है बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल दे रही थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और बस हमारी रबड़ी जो है वो बनकर तैयार है। हमारी रबड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद ये रबड़ी जो है वो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी रबड़ी बनकर तैयार है घेवर के लिए। तो अब हम इसे अलग साइड में रख लेते हैं और अब हम घेवर के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 1 कप के करीब चीनी लिया है और 1 कप चीनी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप पानी। चीनी के 1/2 क्वांटिटी में हमें पानी लेना है और आप फ्लेम को मीडियम हाई पर रखें और चीनी को घुलने तक पकाते रहें। तो यहाँ पर चाशनी में अच्छी से उबाल आ चुकी है। हमें यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पर मैं 2 इलायची कूट कर डाल दे रही हूँ। इलायची का टेस्ट चाशनी में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चीनी जो है वो अच्छे से घुल चुकी है और हमारी चाशनी जो है बनकर रेडी है। आपको ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है, आपको बस 1 तार आने तक चाशनी को पकाना है। तो यहाँ पर आप चाशनी को इस तरीके से नीचे गिराएं और जो आखिरी बूंद हो वो जब गिरने लगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जो 1 तार की तरह वो चाशनी दिख रही है। यहाँ पर जो आखिरी बूंद जो गिरती है वहाँ पर 1 तार बनता है। तो आप समझ जाए कि जो आपकी चाशनी है वो बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आप अपने उंगली और अंगूठे के बीच से भी इसे हल्का सा दबा करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे अपने उंगली और अंगूठे के बीच में ला करके देखें, उसमें बस 1 तार बनना चाहिए। 1 तार बनने लगे तो आप समझ जाए कि आपकी चाशनी जो है बनकर तैयार है। तो आप गैस ऑफ कर देते हैं और चाशनी को ले चलते हैं घेवर के ऊपर सजाने के तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में एक स्टैंड रखा है ताकि जब हम घेवर के ऊपर चाशनी डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर हमारी जो घेवर है उसे अब हम यहाँ पर रख देते हैं स्टैंड के ऊपर और अब हम इसके ऊपर हमने जो चाशनी बनाई है वो डालेंगे। आपको एकदम गरम गरम चाशनी इस पर नहीं डालनी है, हल्की जब वो ठंडी हो जाए तब डालेंगे हम इसे। और इसे हम चारों तरफ अच्छे से गोल गोल घुमा घुमा कर डालेंगे और जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो इसमें से घेवर में से रिस कर नीचे गिर जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसे स्टैंड के ऊपर रखा है। तो चाशनी अच्छे से फैला लेने के बाद अब जो हमने रबड़ी बनाई है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ी उस टाइम पर थोड़ी सी लिक्विडी थी, अब हमने इसे थोड़े देर के बाद जब इसे यूज़ कर रहे तो ये गाढ़ी हो चुकी है और देखने में बहुत अच्छी भी लग रही है। तो हम अच्छे से हम इसे पूरे घेवर पर एक तरीके से फैला लेंगे। घेवर के ऊपर मैंने यहाँ पर रबड़ी को अच्छे से फैला लिया है। जितना हमने बैटर बनाया था उस बैटर से हमने 2 घेवर बना लिए और उस 2 घेवर के लिए हमने आपको जिस क्वांटिटी में रबड़ी के लिए सामान बताया और जो चाशनी के लिए सामान बताया वो 2 घेवर के लिए एकदम परफेक्ट था। अगर आप कुछ थोड़ा और घेवर बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मैदा ले सकते हैं। तो अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बारीक कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ। जो सादा घेवर है उसे आप कम से कम 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो घेवर के ऊपर चाशनी को लगा लिया तो चाशनी लगाने के बाद उसे आप कम से कम 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने घेवर के ऊपर रबड़ी भी लगा लिए हैं तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख कर। ये घेवर जो है बनकर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जब आप इतनी मेहनत करें और जो आपका रिजल्ट हो वो इतना सुंदर निकले तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलती है और आपकी मेहनत जब इस तरीके से अच्छी रंग लाए तो उसका जो खाने के बाद जो उसका टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यह रेसिपी उतनी आसान तो नहीं है लेकिन उतनी हार्ड भी नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका भी जो रिजल्ट है इस तरीके से बहुत ही सुंदर घेवर बनकर निकलेगा आपका भी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरे वीडियोस, मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें।